श्री प्राणनाथ प्यारे सी सतगुरु कणा सतगुरु चरणे को करु धनी प्रेम प्रणा मंगल मङ्गलकरण धनी श्रीदेव श्री प्राण निज मोलपति श्री मेराज सुना सितेज कुवरी श्यामायुगल को पल पल प्रणाम पल पल चौकस चौकस कर चीत दीजिए आत्म को ये धन नीमक एक ना छोड़िए कर वाचा करमान कर वाचा करमान यही अपनी जागनी प्रणधार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं अरे सुंदर सा जी तुम्हारे श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम यही अपनी जागनी यहां सुंदर जी जागनी के विषय में पहले चरण में बात की जा रही है लेकिन जो परम धाम की शोभा लीला जागनी पहले तो कैसे हो पाए जिस परमधाम के लिए वेद की रुचाए क्षर अक्षर और अक्षरातीत की बात करते करते थक गए जिस परम धाम के लिए उपनिषद सत्य की ओर निर्देशन करते रहे जिस परमधाम के लिए भागवत और गीता एक उत्तम पुरुष एक अक्षरातीत की ओर निर्देशन करते रहे जिस परमधाम के लिए बाइबल अंजिल भी एक प्रेम की बात की तो सही लेकिन वो भी पूर्ण जो ब्रमधाम का जो प्रेम है उसकी पहचान बाइबल में भी नहीं जाहिर हुई वैसे कुरान भी खुदा तुला, खुदा ताला अल्लाह ताला की और वर्णन करता रहा लेकिन जो अभी का मुस्लिम समाज हो खुदा ताला अल्लाह ताला को निराकार के कर वहाँ ही अपनी तीसरी या वहाँ ही मौन हो गए लेकिन आगे ये परमधाम कैसा है पहले तो है कहाँ बाद में कैसे है और ये परमधाम को पाने के लिए हम ऐसा क्या मार्ग अपनाए कि वो परमधाम की दिशा भी पा सके यहां सुंदर सा जी यही अपनी जागनी आज हम वर्तमान समय में निजानंद समाज में या संप्रदाय में हम देखते आ रहे कि किसी ने बस तारतम लिया कंठी धारण कर ली और मान लिया कि भाई हमने ब्रह्मधाम को पाल लिया और किसी ने चरणामृत प्रसाद या परिक्रमा या और तो आगे जाइए तो सुंदर जी वाणी घर पर बधाकर मतलब उसकी सेवा पूजा बस थोड़ा कुछ पठन चिंतन मनन से संतोष मान लिया लेकिन जागनी यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख हमारी जागनी कैसे होगी जब तक हम शरीर और संसार से पूर्णतया अलग नहीं होगे हमको शरीर का जहां तक बोध रहेगे हमारी संसार से नहीं हटेगी तब तक ये जागनी असंभव ही है प्राणदार सुंदर साथ जी लगी वाली कछु और न देखे पिंड ब्रह्मांड को हेरी नाही वो खेले प्रेमे पार पियास देखन कोतन सागर माही जब हम संसार और शरीर से ऊपर उठ, उठ, उठ जाएंगे और बस में यही भाव में डूब जाओगी धाम धनी के पीछे के चरण में बताया कि याद आवे निज सुख इसको आई सो हमारे अंदर पैदा प्रेम कैसे पैदा होगा कि हम जब संसार और शरीर से शून्य हो जाएंगे हम यही भाव में डूबेगे कि मैं परम धाम में ही बैठी हूं मूल मिलावे में ही बैठी हूं धाम धनी के सन्मुख ही बैठी हूं बस मेरे सामने धाम धनी बैठे है मेरी नजर भी उसकी नजर से ही मिली हुई है जब वो वही भाव में हम डूबेगे और बार बार हम परमधाम की लीलाओं को याद करेंगे तब हमारे अंदर इश्क पैदा होगा और कैसे सुंदर साथ जी वैसे तो ये परिक्रमा ग्रंथ के जो 25 पक्ष की शोभा और लीला ये परमधाम का वर्णन तो हम जब प्रारंभ से देखे तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी चौथे दिन की लीला में ब्रज रास और धाम की चर्चा करके सुनाते थे तीन सौ तेरह आत्माओं को जागृत भी किया लेकिन बाद में वो भी सो गई सुन्दरसाह जी उसके बाद जब पांचवें दिन की लीला प्रारंभ हुई तो पांचवें दिन में जब जामनगर से मैंने कल भी बात रखी थी जब अबसा प्रबोधपुरी में जब रास प्रकाश खटरुती से आगे कलश की दो चौपाई का अवतरण हुआ और आगे दीव बंदर से जागनी प्रारंभ हुई दीव से लेकर हम पन्ना में पहुंचे विक्रम सवन सत्रह में लेकिन उससे पहले जब हम उदयपुर पहुँचे तो उदयपुर के ताल पर ये परमधाम के पटका ये चर्चनी का काम शुरू हो गया था सुंदर साथ जी वैसे तो आगे और देखे तो ये सब कुछ ज्ञान ये सब कुछ शोभा ये सब कुछ लीला धाम धनी के दिल में श्री जी के दिल में श्री प्राणनाथ के दिल में अखंड ही है लेकिन इस झागणी ब्रह्मांड में ये प्रारंभ परम धाम का ज्ञान कहाँ से हुआ तो जब हम उदयपुर में पहुंचे तो तालाब के किनारे जब एक हवेली लेकर वहां जब परमधाम पट पटका चर्चनी का काम का शुरू हुआ वहां मुकुंदासी दरोगा के रूप में सुंदर सा जी काम करते थे तो वहां से लेकर जब हम जब जिसको कहा सुंदर सा जी वो पूरा जो परम धाम का 25 पक्षों का ज्ञान धाम तलाव कुंजवन सोहे धाम तलाव कुंजवन सोहे मानिक नेहरे वन की जोहे पश्चिम चोगान बड़ो वन कहिए श्री पुखराजी जमुना जी, जी लइ आठो सागर आठ जिमी के ये पच्चीस पक्षी धाम धनी के नूर नीर क्षीर दधी सागर द्रुत मधु एक न पावे कोई और ये चौपाई सुंदर साजी जी परिक्रमा ग्रंथ की नहीं है ये चौपाई ब्रुत की है मैं आगे और थोड़ा थोड़ी बात ही आगे विषय के और बढ़ाऊ तो सुंदर साजी जी जो 25 पक्ष का वर्णन और मैंने आगे उदयपुर के ताल की बात ली ये वर्णन पूरा परमधाम का जब बंगलाजी दरबार में विक्रम सवंत 1740 से 48 के बीच में परिक्रम खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की जो वाणी अवतरित हुई वैसा ज, जैसे आप बैठे हो इस बंगला जी दरबार में पांच हजार की जमात बैठी हुई है धाम धनी अक्षराती साहेब जब परम का वर्णन कर रहे वहाम बोलते है कि देत परिक्रमा कर्म सब छूटे यह सुख पंचम निस्दिन लूटे और सुबह को चार बजे परमधाम का वर्णन होता था सुंदर साजी बंगलाजी दरबार में आप बंगलाजी दरबार की लीला में पहुंच जाइए आज से 400 साल पहले जो घटित हुई तो वहां भी सुंदर साजी आठों परमधाम की लीला और शोभा में जो डुबाया जाता था और जो सुबह की हमारी सेवा पूजा है वो सेवा पूजा में भी सुंदर प्रकरण परिक्रमा ग्रंथ के, के त्रीजी भूम की जो पड़ साल ठोर बड़े दरवाजे विशाल वैसे श्री ठकुरानी जी प्रथम भूम में विराजमान भये तहा ंग को तीन के छे, पाये छे, वैसे जो परमधाम का वर्णन सुबह में मुरलीधर दास भाई भी स्वरूप का वर्णन करते थे बंगला जी दरबार में तो जो लीला बंगला जी दरबार में परमधाम की चली तो ये परमधाम का वर्णन पहले हंसे के घर में अष्टपौर की लीला में बताया कि के भाई के घर में भी परमधाम का वर्णन होता था सुंदर सा जी पच्चीस पक्षों का वर्णन होता था उसके बाद यह सेवा जयंती का भी संभालते हैं अलग अलग सुंदर जी ये शोभा का वर्णन करते थे लेकिन सुंदर जी बात वहां तक पूरी नहीं हुई और आगे जब यह लीला बढ़ी तो सुंदर साजी फिर समय बीतता गया बीतता गया बंगलाजी दरबार में दस साल तक ये परमधाम का वर्णन सागर श्रृंगार का वर्णन राज श्यामा जी युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार का वर्णन और जो ये रूहे परमधाम के प्रेम में युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार में डूबती रही वही लीला की याद आज धाम धनी हम को दिला रहे कि सुंदर सा जी याद कीजिए कि यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख मैं पहले बंगला जी दरबार का वर्णन धाम धनी ने इसलिए बताया कि ये वर्णन यहाँ भी हो चुका है जब ये वर्णन होता था इसमें हम परमंशों की बात भी ले लीजिए थोड़ी कुछ फिर हम पांच दस मिनट में और लीला की ओर आगे बढ़े जैसे धामधनी ने तो बताया वाणी में के सुंदर साथ जी जागसी भेला पौड़सी भेला खेल देखिया सवन तो आपको एक प्रश्न उठेगा कि क्या लालदासी ने बड़ी वृत्त में परमधाम का वर्णन किया युगल दासी ने भी बड़ी व्रत में वर्णन किया छोटी व्रतों में भी परमधाम का वर्णन हुआ तो सुंदर साद जी क्या उसके परातम में वो जग गए नहीं परातम में वो नहीं जगे अपनी परातम के प्रतिबिंब स्वरूप जो आत्मा इस खेल में लालदासी के तन में आशबाई के स्वरूप में जो बैठी वही स्वरूप में आत्मा परमधाम के 25 पक्षों को देख रही है वो आज आप भी वही स्वरूप में वही लीला में वही शोभा में सुंदर साजी डूबिए जो आगे धाम धनी लीला का वर्णन करने जा रहे क्योंकि बंगला जी दरबार की एक लीला मेरे को याद आई सुंदर जी दरबार में बैठे हैं धाम धनी श्री जी साहेब बंगला जी दरबार में होज कोसर का वर्णन चक रहा है तो होज कोसर के बताया ने कि याद आवे निज सुख क्या निज सुख हमारा है वही प्रश्न तो आज हमारे अध्यात्म जगत के बहुत कठिनतम प्रश्न है वही प्रश्न के मैं कौन और कहा से आई वही परमधाम की दिशा आज तक किसी ने नहीं पाई है सुंदर जी वो भी श्यामा जी का वही प्रश्न रहा ने कि कौन भैया वर्ष ग्यारहवा तब मन भयो विचार मैं कौन कहा से आई और कहा और तीसरे दर्शन में भी में थोड़ी सी बातों में रख दूंगी कि तीसरे दर्शन में भी वही तो बात हुई कि जब तीसरा दीदार श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट तो कर और कहा है तेरा वतन तू तो कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन तो हमारे भी यही निज सुख की तो याद दिला रहे जो धाम धनी ने श्यामा जी को दिलाई वही सुख में डुबोया, वही सुख में धाम धनी आगे मैंने पूरी बंगला जी दरबार की भी बात ली लेकिन ये बात बीच में मैंने इसलिए रखी सुंदर साज की यही सुख में डूबने की बात करे कही क्या सुख में तो रोज कोसर की बात चल रही बंगला जी दरबार में अब ध्यान से सुनिए तब श्री जी जब वर्णन कर रहे सुंदर साजी जी कोसर में डूब गए आप भी वर्णन के टाइम पे डूब जाइए कि याद आवे सुख जब यही लीला को हम याद करेंगे ने थोड़ी देर के लिए आप वही क्षणों में डूब जाइए कि आप याद कीजिए कि हम सभी ब्रह्मात्माएं सभी रूहे जब हम पूरे चालीस युद्ध में या अनंत सख्या स्वामी जी ने बताया ने वहाँ कोई बारह हजार थोड़ी है, तो तो गिनती हो गई तो तो परमधाम पूर्ण है ही नहीं सुंदर साजी सभी सक्या, होज को सर में लीला करने के लिए आई तो वो सुख को याद कीजिए कि हमारा धाम धनी के साथ जो पल में मिलन होता था कैसा मिलन पूर्ण प्रेम से भरपूर जो हमारा धाम धनी के साथ आलिंगन होता था एकी पल में हम सुंदर जो परम धाम के होज कोसर के चारों घाट पश्चिम में जुंडगा घाट पूर्व में सुल देहुरी का घाट उत्तर की ओर नव देहुरी का घाट दक्षिण की ओर तेरा देहुरी का घाट जब पाल पर जो शोभा बनी है उसमें हम झुंड के घाट में पहुंच जाइए याद आवे निज सुख तो वही सुख में और बताया आगे के चरण में क्या सुख लेते थे हम सब ब्रह्मात्माएं हम क्या सुख में डूबती थी किस प्रेम परिपूर्ण प्रेम में हम डूबती थी तो वही सुख लेती थी सुंदर सा जी कि हम सब ब्रह्मात्मा है जब पाल के ऊपर जो वृक्षों की कतारें आई है बड़े वन के वृक्षों की तो कतारों की मेहराबों जो लगी एक वृक्ष दूसरे वृक्ष में मेहराब लगी है मेहराबों में जो झूले लगे हैं झूले में जो हम सखिया धाम धनी के साथ झूले जुलती थी और सखिया कई ग्रुपों में अपने सिंगारों को जो धारण कर कर ऐसे शोभा धारण कर कर जब झूले में जुला जुलने का आनंद लेती थी तो कैसी लीला सुंदर जी सामने धामधनी दूसरे झूले पर बैठे है हमारी नेत्रों से नेत्र मिलते थे सुंदर जी तो धामधनी कई बार नेत्र का सुख देते थे कई बार वाणी का सुख देते थे कई बार आलिंगन स्पर्श का सुख देते थे और झूला जब सामने हम झूला झूलती थी तो हमारे और आभूषणों से कैसे नूरी किरणे निकलती थी वो किरणे का प्रतिबिंब जब होज को सर के ताल के जल में पड़ता था तो धामदनी वही ताल की याद दिला रहे हैं

तो कई चौपाइया हौज गौसर की है लेकिन मैं चौपाई बोलने से टाइम नहीं सुंदर साजी जो बीच में टापू माहौल बना है उसकी तीन मोहम और चौथी चांदनी है जब हम को सर की चांदनी पर बैठते थे तो वहाँ से धामधनी कई बार हमको पूर्व की ओर पाट घाट की ओर जब निर्देशन करते थे उसकी ओर संकेत करते थे तो हम सब सखिया की नज़र पाट के घाट पर पड़ती थी आप सब शोभा में डूबिए ना सुंदर साहद जी आप सब लीला में भीने तो पाट के घाट पर हम कई सखिया के जूथ पाट के घाट पर पहुंच गए क्योंकि वहां तो जैसे हमारी इच्छा होती थी ने होए सुख में हम डूब जाते थे हमारे अंदर इच्छा हुई स्वलीला द्वैते वहां तो वहां कैसी भूमि का है स्वलीला अद्वैत तो पाट के घाट में जब जल रोस पर बनी हुई जो देहुरिया छुटक छुटक है छे तो हम सुबह को बोलते हैं ना पाठ घाट की देहुरी में जहां रामत कीजे रात रतन जड़ित के माहौल में कीजे रंग बिलास थोड़ी देर पांच मिनट के लिए सुख में डूबिए दामदनी बिठाया कहा हमको ओज को सर की चांदनी पर चौथी मंजिल पे और दिखा रहे कहा का सुख के देखिये रूहे लाडलिया अरे मेरी देखिए कई सखिया देखिए पाठ के घाट पर बैठी हुई है और कई सखिया जमुना जी में जिलना कर रही है और वही बात धामधनी ने रास में भी दिखाई है अनिहारे जिलन रंग सुहामणा अपन जिलसू वाला जी ने संग तो ये जिलन की बात धामधनी बैठे है होज को सर की चौथी मंजिल पे वहाँ तो हजारों धनी रूप धारण कर लेते लीला बता रहे कई ग्रुप यहाँ बैठे कई ग्रुप की लीला बता रहे पाठ के घाट की के देखो सखिया तुमने कैसे वस्त्र धारण किए है कैसे आभूषण धारण किए है देखो उसमें से कई करोड़ों सूर्य उग निकल आए उसके जो नूर निकलते ने उससे भी करोड़ गुना नूर तुम्हारे साड़ी के अंदर जो जवाहरातों के नंग जड़े हुए उस नंगों से कैसी किरणें निकल रही है उसमें से कैसी तरंगे निकल रही है इतना ही नहीं और देखिए देखो पाट घाट में जो अक्षरधाम की ओर माणे के दो थंब है और दक्षिण की ओर हीरा के दो थंब है और रंगमोहल की ओर पांच के हरे रंग के दो थंबे और उत्तर की ओर पोखराज के दो थंबे और चार कोने के नीलवी के थंबे तो सखिया देखिए ने कैसा सुंदर चित्र कैसी लीला कि वो आप सुंदर सुशोभित वस्त्र आभूषण धारण करके पाठ के घाट पर हमारा एक ग्रुप बैठा हुआ है तो उसने जो श्रृंगार किए और पाठ के घाटों की जो शोभा बनी है उसे जो जरोखे निकले हुए तो वो जरोखे पर हम सब सख्या के जुथ कई वहां भी बैठे हुए और कई जुथ रोस पर बैठे हुए और कई जूथ केल के पुल उत्तर की ओर दक्षिण की ओर बटके पुल पर जो छजे पचास पचास हाथ के जो छज्जे मंदिर के बने हुए हैं, वहाँ कई सखिया अपनी टांग को नीचे लटका कर ऐसे आनंद में मग्न हो रही है तो धाम वहाँ वहां से वो लीला को दिखा रहे कि सखिया वो लीला में डूब जाइए ना आप क्या ऐसी हमारी ऐसे हास विलास की लीलाए हो रही है और वो प्रतिबिंब यही अपनी जो 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 याद सुख सुख क्या धाम धनी चौबीस घंटे वहां कोई पल भी नहीं बीती है वहां कोई समय की मर्यादा नहीं है मर्यादा लेकिन यहाँ के भावों से यहाँ के समय के आधार पर धाम धनी बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी हुई शोभा में आप डूब जाइए तभी आपके अंदर प्रेम पैदा होगा पैदा होगा तो आप धाम को सन्मुख बैठी हुई आप देख पाओगी इतना ही नहीं और आगे बताया कि सुंदर जी एक तो ये लीला ये शोभा बनी हुई है ध्यान से दूसरी तो बोल रहे कि एक प्रतिबिंब जल में उठ रहा है सुंदर जी देखिए ने कैसा जल में प्रतिबिंब उठ रहा है और इतना ही नहीं एक प्रतिबिंब आकाश में भी खड़ा हो रहा है जो जल में उठ रहा है एक प्रतिबिंब बाहर लीला के रूप में एक रियल वास्तविक लीला बाहर में हो रही है और यही लीला ऊपर आकाश में भी पूरी अभी भी स्वामी जी ने बताया कि धाम धनी के दिल के स्वरूप ने ही तो अनेक रूपों में आकृति धारण करके रखी है तो वैसे ही वहाँ तीन तीन लीलाएँ हो रही है एक जमुना जी के अंदर हम नज़र करें तो वहाँ भी हम अपनी लीला को देखेंगे एक आकाश में नज़र करेंगे तो वही लीला को देखेंगे एक तो प्रैक्टिकल लीला वहाँ हो ही रही है तो सुंदर साची वही लीला को धामधनी और आगे बढ़ा रहे कि सुंदर साची सिर्फ इतनी ही लीला नहीं आपने दि दिव्य सिंगार धारण करके जमुना जी में जीर्णा तो कीजिए फिर हम सुंदर सा जी हम जल कीड़ा करते हैं आप भी अपने परातम का अंगना भाव का श्रृंगार कीजिए फिर आप श्रृंगार करके जमुना जी में जल कीड़ा कीजिए जल कीड़ा करने के बाद सुंदरसा जी फिर हम दिव्य जो रोस पर बनी हुई देहुरिया में हम हमारा श्रृंगार किया और बता रहे हैं कि पाल पर ग्यारह वृक्षों की जो पांच कतारें ऐसे एक एक घाट के सामने जो बनी है उसमें जो चौक बने हैं हो गया हो गया चौक बने हैं तो वही चौक में जो लीला हो रही है परमधाम की दिव्य नूरी जमीन की जो अंदर जलकारो जलकार करती हुई जो बालू बिछी हुई है ऊपर वनों में सुंदर साजी दिव्य वनों की पेड़ पौधे में कई प्रकार के पशु पक्षी भी वहाँ धामधनी के जिक्र कर रहे गुणगान गा रहे वही तो हमारे धामधनी के स्वरूप थे तो सुंदर जी वही लीला की याद धामधनी दिला रहे और बता रहे कि यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख इसका यही सो आवसी और यही सो ये सन मुख तो यही लीला को आप याद करते रहिए कि हम ये लीला हमसे छुट्टी नहीं है हमारे परातम के प्रति स्वरूप आत्मा में अखंडी है लेकिन पर्दा माया का बना हुआ है तो वो लीला को बार बार खाते पीते उठते बैठते सोपन सुबत जागृत दम न छोड़े मासु को झाकि असलग निस्वत तो सुंदर साजी हम खाते पीते उठते बैठते हमारे अंदर वही निरंतरता बनी रहनी चाहिए वही याद बनी रहनी चाहिए कि धनी हमारे सन्मुख बैठे हैं बस मैं मूल मिलावे में बैठी हूँ उसकी अनुभूति का हम सुख लीजिए कि देखो धनी वही धाम का सुख दे रहे हैं वही लीला का सुख दे रहे इतना कहकर वाणी को विराम दीजिए बोलिए श्री प्राणनाथ यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख सो आवि या सोहे सनमोख बोलिए बोले श्री प्राणनाथ प्यारी